झारखंड में तेज करने के लिए प्रयास पहले से भी हम लोग कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी पहले आए थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं, जो प्रमंडल के प्रभारी हैं उन लोगों के साथ आज बैठक करेंगे, जो हमारे प्रमंडल के प्रभारी महासचिव उपाध्यक्ष जी लोग हैं उनके साथ, और प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक करेंगे, और फर्दर हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है सब पे चर्चा करेंगे, और कैसे और धारदार बनाएं, कैसे और प्लान करें। पार्टी कोई होती है तो चुनाव ही लड़ने के लिए ना पार्टी है, तो हम तो अपना जो प्रयास कर रहे हैं वो भविष्य में जो चुनाव आने वाले उन सब चुनावों को लड़ने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। सब पर आज चर्चा होगी, कार्यक्रम का चर्चा होगा, फिर भविष्य में और बड़े कार्यक्रम भी करने हैं प्रमंडलों में हर जगह, तो उन सब पर भी चर्चा होगी। चुनाव जब लड़ेंगे तो माननीय नेता चेहरा तो वही है ना हमारे पार्टी के, और माननीय नेता वही हैं, भविष्य में उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे। बहुत लोग संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग, बहुत से लोग संपर्क में हैं, JMM के भी हैं, आजसू के भी हैं, संपर्क में हैं लोग। सर कुछ दम से चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, और झारखंड में जिस तरह से जो पुराना हमारा यहाँ पर तेवर था उसको प्राप्त करेंगे। मतलब 11 विधायक, 11 का है, 15 का है, नहीं हो जाए 11। हम लोग सीट शेयरिंग पे ना किसी से चर्चा किए ना बात किए हैं, ना कोई बात हुई है। हम लोगों का संगठन के ऊपर अभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान है, समय आएगा फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर बताएंगे क्या आएगी। शक्ति तो वापस शक्ति पाने के लिए ही नहीं कवायदा हो रहा है, देख रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष को राज्यसभा दिया गया, ये सब किया गया, तो इसलिए ताकत को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है ना। और हर व्यक्ति एक कोई प्रयास जब होता है तो एक संजीदगी से सीरियसनेस के साथ एक प्रयास करता है, सफलता तो ऊपर वाला देता है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों को इतना हमारे ऊपर अपने ऊपर विश्वास है कि ऊपर वाला निश्चित रूप से सफलता देगा आपको।